हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कि वायरसेस, बैक्टीरिया और वायरल्स क्या होते हैं। लास्ट हमने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया, ये इसका बस लास्ट पार्ट है। हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर हमने इसमें पढ़ा किंगडम मोनेरा, फिर पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा, और लास्ट जो हमने इससे पहले टॉपिक कवर किया दैट वॉज किंगडम फंगाई। आज हम पढ़ेंगे वायरसेस, बैक्टीरिया और वायरल्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और हाउ कैन दे स्पॉइल अस, एक तरीके से बोल सकती हूँ कि हमें एक तरीके से इनसे क्या नुकसान भी हो सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे। सो द वर्ड वायरस, जो शब्द वायरस है उसका मतलब होता है कि एक तरीके का क्या है, ये पॉइजनस फ्लूइड है। इवानोस्की ने 1892 में क्या डिस्कवर किया कि कुछ ऐसा है। देखो वो क्या कर रहा था, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो है उससे क्या कर रहा था, पास कर रहे थे वो चीजों को। ये एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है जो कि बहुत ज्यादा पतला होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जब इस फिल्टर से कुछ चीजों को पास किया ना, तो उनको ऐसा कुछ लगा कि ऐसा कुछ है जो इसमें से पास लाइक हो जा रहा है, ठीक है। इसमें से जो बैक्टीरिया होते हैं वो पास नहीं हो पाते, बट उनसे भी कुछ छोटा है जो पास हो पा रहा है। तो तब उन्होंने क्या डिस्कवर किया, टोबैको मोजेक वायरस। फिर आए MWBZ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जैसे प्लांट था जिसमें टोबैको वायरस हो रहा था, टोबैको मोजेक वायरस, और एक नॉर्मल प्लांट था, इन्होंने इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट लेके इसमें डाल दिया। फिर इन्होंने क्या देखा कि ये जो नॉर्मल प्लांट था ना जिसमें कुछ भी नहीं हुआ था, अब इसमें भी ये वायरस ने असर कर दिया और ये प्लांट भी क्या है, धीरे धीरे खराब होने लग गया है। तो इन्होंने क्या देखा कि ये ऐसा फ्लूइड है जो कि फैलता है और बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इन्होंने बोला कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडम। फिर WM Stanley ने क्या करा, वायरस को क्रिस्टलाइज किया और देखा कि ये क्या है, होस्ट सेल के अंदर रहता है और उसका मैकेनिज्म क्या कर लेता है, ओन कर लेता है। सो वायरसेस क्या है, एक तरीके के न्यूक्लियो प्रोटीन है जो सराउंडेड रहते हैं न्यूक्लिक एसिड से, जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है RNA या DNA, और वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो उसके आसपास होता है प्रोटीन का कोट, और जो DNA और RNA है वो या तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा या तो वो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। और प्रोटीन का जो कोट, जो प्रोटीन का जो लेयर बोल रही हूँ मैं, वो छोटे छोटे कैप्सिड से बना हुआ होता है। जब बहुत सारे कैप्सिड मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, पूरा कैप्सोमियर, क्या बना लेते हैं, कैप्सोमियर। और ये हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल शेप में होता है, ये देखो, दीज आर ऑल कैप्सोमियर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स, दे मेक यूज ऑफ द होस्ट मशीनरी टू मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, ये अंदर रहने वाले आप एक तरीके के क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, एक होस्ट सेल के अंदर जाते हैं और उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म खुद का बना लेते हैं कि अब ये जो मशीनरी है ना ये मेरी है, इसमें मैं काम करूंगा, ये ओन कर लेते हैं उसकी मशीनरी को। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस का एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी और साइनोफेजिस, सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस का एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस, डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस का है वुंड ट्यूमर वायरस और माइक्रोफेजिस, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस का है टोबैको मोज़ेक वायरस, HIV, पोलियो, ठीक है। और कुछ डिजीजेस होती है जैसे कि मम्स, चिकन पॉक्स, हर्पीस, हेपेटाइटिस, एड्स और पोलियो, जो कि इंसानों में होती है ड्यू टू वायरस। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, प्लांट्स में भी कुछ डिसीज होती है जो वायरस कॉज करता है, जैसे कि मोज़ेक, देखो लीव रोलिंग, कर्लिंग, तो ये है मोज़ेक की वजह से जो ये प्लांट में ये डिसीज हुई है ना, ये वायरस की वजह से हुआ है। ये देखो लीव कर्लिंग, ये सब चीजें होती है, ये किसकी वजह से होती है, हमारे वायरस की वजह से होती है, जितनी भी चीजें हुई होती है प्लांट में ये सब वायरस का किया धरा है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, अब बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय एडवर्ड ट्रॉट एंड फ्लेक्स टी हेरले। फेजेस लाइक फेज हैव अ टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर विद अ हेड एंड अ टेल। अब इसमें क्या होता है, दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक हेड होता है और टेल होता है। जो टेल होता है उसमें फर्दर चार चीजें होती है, सबसे पहले कॉलर, शीथ, बेसल प्लेट और लॉन्ग टेल फाइबर्स। तो हेड होता है वो बाई पिरामिडल शेप का होता है, इसी के अंदर ना आपका जो भी इसका न्यूक्लिक एसिड होगा ना वो रहेगा, न्यूक्लिक प्रोटीन बोल सकते हो आप। वेरस टेल जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। टेल इज अटैच टू द हेड विद द हेल्प ऑफ द कॉलर, ये यहाँ पे टेल अटैच है विद द हेल्प ऑफ द कॉलर। हेड में क्या प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन है जैसे मैंने बताया, इसमें क्या होता है डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, इसमें क्या होगा डबल स्टैंडर्ड DNA इसके हेड में। अब टेल में क्या है, फोर कॉम्पोनेंट्स है फर्दर, एक तो ट्यूब, फिर है इसका कोर जो कि एक प्रोटीन शीट से बना हुआ है,
फिर शीथ कनेक्टेड टू दी हेड कॉलर से, और फिर नीचे क्या है इसमें बेसल प्लेट लगी हुई है, और कॉर्नर ऑफ दी बेसल प्लेट में क्या लगे हुए हैं हमारे, देखो लॉन्ग टेल फाइबर्स लगे हुए हैं। बेसल प्लेट बियर्स सिक्स लॉन्ग टेल फाइबर्स विच आर मेंट फॉर दी, अभी किस चीज के लिए है जो फाइबर्स है ये अटैचमेंट के लिए, कि अगर ये किसी भी बैक्टीरिया में जाए तो ये उसमें अटैच हो जाए। अब बैक्टीरियोफेज क्या है, दो टाइप के होते हैं और ये डिपेंड करता है कि जो उसकी ग्रोथ है वो कैसी है। ग्रोथ साइकिल सबसे पहले आती है लाइटिक साइकिल और दूसरी आती है लाइटिक फेज और दूसरा आता है लाइसोजेनिक फेज। अब क्या होता है लाइटिक फेज, जब वायरुलेंट फेज होता है तो लाइसिस जैसे T1 और T4 फेज, तो लाइस द सेंसिटिव बैक्टीरियल सेल डीएनए एंटर द होस्ट सेल एंड मेकिंग यूज ऑफ द होस्ट मशीनरी फॉर्म्स अ नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल, बैक्टीरियल सेल इज लाइस एंड द न्यू वायरल बैक्टीरिया इज फॉर्म्ड। अब इसमें क्या होगा कि ये ना होस्ट लाइक एक बैक्टीरिया में जाएगा, उसके डीएनए को इनकॉर्पोरेट करके एक नया डीएनए बना लेगा। वाइल लाइसोजेनिक में क्या होता है, वायरस इंजेक्ट्स इन इट्स डीएनए इन टू द होस्ट सेल एंड द डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन टू द होस्ट डीएनए एंड बिकम्स ए टेम्परेट फेज। टेम्परेट फेज डीएनए रेप्लिकेट्स, ये क्या बैक्टीरियल सेल के साथ इसका भी डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट होगा और फर्दर ये आता रहेगा और ये कुछ टाइम के बाद ना लाइटिक साइकिल में चला जाएगा। मतलब लाइसोजेनिक साइकिल कहीं ना कहीं लाइटिक साइकिल से कनेक्टेड है। फिर लास्ट आते हैं हमारे पास कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। वायरॉइड्स क्या है, एक तरीके के स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, इनमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है, इनमें ये लैक करते हैं प्रोटीन कोट में, या फिर कैप्सिड बोल सकते हो, कैप्सोमियर वाली लेयर इनमें नहीं होती है। ये डिस्कवर किए थे टीओ डाइनियर ने और ये एक डिसीज कॉज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, जो कि वायरॉइड कॉज करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लव दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।